subject standard second subject marathi okay today I will teach you the new topic फड़ांची नाम okay आपके unit as exam के बाद से ये topic start हो रहा है तो आपको यहाँ ये exam फड़ांची नाम से आपके final exam में second semester में आने वाला है तो topic is फड़ांची नाम मतलब fruit name now you see this picture फर्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है पिक्चर्स में मैंगो को मराठी में क्या बोलते हैं आंबा मैंगो को मराठी में क्या बोलते हैं आंबा सेकंड पिक्चर इज ऑफ एप्पल क्या दिख रहा है आपको एप्पल कौन से कलर का होता है रेड और एप्पल को मराठी में क्या बोलते हैं सफरचंद क्या बोलते हैं सफरचंद थर्ड पिक्चर इज ऑफ ग्रेप्स को मराठी में क्या बोलते हैं द्राक्ष ग्रेप्स को क्या बोलते हैं द्राक्ष फोर्थ पिक्चर इज ऑफ बनाना ओके क्या है बनाना को क्या बोलते हैं केड़े सी दिस नेक्स्ट पिक्चर इज ऑफ पाइन एप्पल को क्या बोलेंगे अन्नास आप लोग ने अ से अन्नास पढ़े थे ना तो पाइन एप्पल को अन्नास बोलते हैं फिर लास्ट पिक्चर में आपको बना है ऑरेंज आपको पता है ना ऑरेंज कलर का ही रहता है ऑरेंज को बोलते हैं संतर तो ये आपके फड़ांची नाम है यानी फ्रूट नेम है जो आपको मराठी में लर्न करना है आंबा सफरचंद द्राक्ष केड़े अन्नास संतर सेम इसी का मैचअप भी है देखो पहला पिक्चर में आंबा बना है तो उसको आप आंबा से मैचअप करोगे संतर बना है तो संतर से मैच करोगे सफरचंद एप्पल बना हुआ है तो एप्पल को सफरचंद बोलते हैं सफरचंद से मैच करेंगे बनाना को क्या बोलते हैं केड़े तो केड़े से मैच करेंगे Now see this next topic. Write the names of fruit in Marathi. यानि fruits के जो name है वो आपको English में लिखे हुए हैं and you have to write in Marathi. आपको कौन से इसमें लिखना है Marathi. Write the fruit names in Marathi. मैंने अभी आपको बताया कि grapes को क्या बोलते हैं द्राक्ष. तो कैसा लिखेंगे आप लोग ऐसे. द के नीचे त्र की मात्रा लगाएंगे और ये श बन जाएगा द्राक्ष तो मान ग्रेप्स को क्या बोलेंगे द्राक्ष वाटरमेलन को क्या बोलेंगे कलिंगर ये आपके पिक्चर में नहीं था क लगाएंगे द के साथ ई की मात्रा फिर अन फिर ग और द तो उसको बोलते हैं कलिंगर कैसे लिखेंगे आप लोग क ल के साथ ई की मात्रा ग और द और उसके ऊपर अन लगाएंगे कि क्या है कलिंगर तो लिंग के ऊपर लगाने के लिए हम लोग अन की मात्रा लगाएंगे ओके तो वाटरमेलन को क्या बोलते हैं कलिंगर नेक्स्ट बनाना को क्या बोलते हैं केड़े तो हम लोग कैसे लिखेंगे क के ऊपर ए फिर ड के ऊपर ए तो बन जाएगा केड़े बनाना को क्या बोलते हैं केड़े उसके बाद है एप्पल को क्या बोलते हैं सफरचंद पहले लिखेंगे स फिर फ तो ये बन गया सफर च के ऊपर अन लगाए तो चन और द सफर चन कैसे लिखेंगे आप लोग स फ र तो सफर और च के ऊपर अन लगाए तो चन और द तो सफर चन एप्पल को क्या बोलते हैं सफर चन उसके बाद ऑरेंज के फ्रूट को क्या बोलते हैं मराठी में संतर तो लिखेंगे स उसके ऊपर अन की मात्रा लगाए तो सन और त्र लगा दिए तो बन गया संतर कैसे लिखेंगे स स के ऊपर अन और त्र तो संतर पाइनएप्पल को क्या बोलते हैं अन्नस अ दो बार न लिखेंगे और स अ दो बार न और स तो बन गया अन्नस मैंगो को क्या बोलते हैं आंबा बड़ा वाला आ लिखेंगे डॉट डालेंगे यानी अन की मात्रा डालेंगे और बा लिखेंगे तो आंबा एक बार रेड करते हैं ग्रेप्स को क्या बोलते हैं द्राक्ष वाटरमेलन को कलिंगर बनाना को केड़े एप्पल को सफरचंद ऑरेंज को संतर पाइनएप्पल को अन्नास मैंगो को आंबा इन एग्जाम इंग्लिश वर्ड्स आपको लिख कर आएंगे एंड यू हैव टू राइट इन मराठी नाउ राइट दिस सेवन वर्ड्स टू टाइम्स इन नोटबुक Write this fruit name two times in Marathi. Two times in Urdu.